राधा, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार तू जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है। तू देवयानी को अच्छी तरह जानती है, उस नागिन के हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ है तू, और तू उसका साथ दे रही है। अरे क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे परिवार के साथ, और तू उसके लिए, उस देवयानी के लिए, उस देवयानी के ऑफिस जाने के लिए तुमने भाभी से परमिशन मांगी। लेकिन बुआ जी, मुझे लगा कि अरे क्या लगा तुझे, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है? अरे वो नागिन है, नागिन। वो जब भी कुछ करेगी सिर्फ और सिर्फ जहर उगलेगी, और तुझे उससे हमदर्दी है? बुआ जी मैं समझती हूँ, लेकिन देवयानी दीदी को कभी नहीं, अरे बाहर दे गई थी, उसके साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं तू उसकी गलतियों को इसलिए नजरअंदाज कर रही है क्योंकि उसने तेरी जमानत कराई है? बुआ जी क्या कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं। तू उस धोखेबाज की बातों में आ गई राधा। अरे वो तेरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहती है, अपना भरोसा खोने के बाद वो तेरे भरोसे पर अपनी नई अपमान लगाना चाहती है। बुआ जी मैं नहीं जानती जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत, लेकिन पहली बार मैंने देवयानी दीदी की आंखों में सच्चाई देखी। अरे वो सर से पांव तक झूठी है, झूठी। अब उस बाप बेटी की नजर रवि पर है, भैया के बाद अब वो रवि को बर्बाद करना चाहती है। अगर रवि को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। इस चार दीवारी से बाहर जाने की आजादी सिर्फ तुम्हारी वजह से मिलेगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर रवि को कुछ हुआ तो सिर्फ तुम, क्योंकि उसे इस चार दीवारी से बाहर जाने की आजादी सिर्फ तुम्हारी वजह से मिलेगी। बैठो यहाँ वहीं चल बैठ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, लेकिन मुझे प्यास नहीं है। आधा गिलास? नहीं नहीं शुक्रिया। तो मैंने जो समझाया था समझ में आ गया ना? सब कुछ समझ में आ गया सर, सब कुछ। अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा क्या आश्रय करूंगा पता है ना? भाई साहब मैं पागल हो गया हूं क्या? पागल हो गया हूं मैं जो आपसे होशियारी दिखाऊंगा? आपसे? आप तो जानते हैं भाई साहब मेरे मेरे छोटे 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 बच्चे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तो अपने बच्चों की अगर सलामती चाहते हो तो कोई बचपना मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, इस फाइल पे कुणाल कपूर के दस्तक हो जाने चाहिए। हो गए, आपने कहा हो गए, आपका काम हो गया। एक बात और ध्यान रखना, मुझे किसी भी आदमी को एक बात दोबारा समझाने की आदत नहीं है। दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आएगी सर, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तो ठीक है, काम हो जाने के बाद मुझे फोन कर देना, मैं फाइल लेने आ जाऊंगा। ठीक है। और हाँ, मैं यहाँ आया था इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए।
सुधा सुधा, अरे पगली वो डेड है, डेड। शोपीस करके रखा है टेबल पे। हाँ ये देखो ना, ये देखो, ये जोड़ लो उसको, कुछ होता है क्या? देखो देखो सुधा, अब ये तुम्हारी खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती, तुम यहाँ आई तो हो अपनी मर्जी से, जाओगी मेरी मर्जी से। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, और मैं अपनी मौत से नहीं डरती। मुझे तो इतना मालूम है कि बुराई का अंत बुरा होता है। सुधा, इससे पहले फैसला करने का मौका मैंने तुम्हें एक बार दिया था, और अब दूसरा मौका दे रहा हूं। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें सुहागन बनकर रहना है या अभागन। सचमुच इस सिंदूर में इतनी ताकत होती है कि एक औरत जन जन तक सिंदूर के नाम पर किसी और की हो जाती है? दीदी? अरे राधा, मैं सिंदूर के बारे में सोच रही थी। ये सिंदूर विश्वास का दूसरा नाम है दीदी। वो कहते हैं ना कि एक सुहागन की मांग भरना एक संस्कार है, लेकिन इस संस्कार का वास्ता उस आस्था से है जो एक सुहागन को उसके सुहागन होने की पहचान बताता है। मैं भी यही सोच रही थी राधा। इस चुटकी भर सिंदूर में पूरी जिंदगी का विश्वास सिमटा हुआ होता है। लेकिन मैंने अपना विश्वास दांव पर लगा दिया है दीदी। मैं कुछ समझी नहीं राधा। मैंने मम्मी जी की इच्छा के खिलाफ उनसे आपके ऑफिस जाने की इजाजत ले ली। सच? राधा तुम जानती नहीं तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। सच राधा, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी? दीदी, मैंने आप पे विश्वास करके आपको अपना विश्वास साबित करने का मौका दिया है। अभी आप पर है, आप चाहें तो अपने टूटते हुए विश्वास के धागों को बांध सकती हैं,
या फिर अपनी तरह मेरे परिवार से मेरा भी विश्वास तोड़ सकते। राधा, इस बार चाहे मैं खुद टूट जाऊं, लेकिन तुम्हारा विश्वास मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। सच राधा। चलो अच्छा है राधा, तुमने मेरे और रवि के प्यार पर भरोसा जताया। अब वक्त आने पर मैं तुम्हारे और करण के प्यार का सच सबके सामने लाऊंगी। राज, आप कब आए? आइए बैठिए। थैंक यू। जब आप किसी पेशेंट की फाइल देख रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए पीछे चुपचाप खामोश खड़ा था। मैं क्या ना आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। आप जिंदगी में सबका ऐसा ही ख्याल रखते हैं? सबका नहीं, जो ख्याल रखने के लायक हो उनका। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो दूसरों से बहुत अलग है। जिंदगी ने मुझे ऐसा ही बनाया, क्या करूं? आई थिंक आपके माता पिता ने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो उन्हें आप जैसा बेटा मिला है। माँ बाप, मुझे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप ने क्या अच्छे कर्म किए, लेकिन मैं अच्छे कर्म जरूर करना चाहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। बहरहाल विशाल कैसा है, होश आया उसे? विशाल को आईसीयू से शिफ्ट कर दिया है, उसे होश आ चुका है। आप विशाल से मिल सकते हैं। थैंक यू। तो मैं चलो। थैंक यू। जा रही हूँ, कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पिएंगी? नो थैंक्स। गौरी, तुम्हारे मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पर एक महीने के लिए गए थे ना? हाँ। मैं कुछ समझी नहीं। कमाल है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ना समझ हो कि एक सीधी सी बात भी नहीं समझ सकती। तुम्हारे मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा पर गए 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है ना? हाँ, पापा का फोन आया, वापसी में वो इलाहाबाद चले गए तो चाचा जी ने उन्हें रोक लिया। कमाल है, माँ बाप को तो अपनी बेटी के जन्म से ही उसकी फिक्र, उसकी चिंता शुरू हो जाती है ना? लेकिन लगता है अंकल आंटी को अपनी बेटियों की कोई परवाह ही नहीं है। सुसाइड। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। इतना भोला और मासूम बनने की जरूरत नहीं है गौरी। वैसे अंकल अपने दोस्त के घर को भी अपना ही घर मानकर गए हैं ना? अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। अच्छा, तो अब तो मुझे मेरे ही घर में मेरी हदें बताओगी।
गौरी, कहीं तुम्हारे पापा ने तुम्हें इसी घर से विदा करने का प्लान तो नहीं बना रखा है? एक्चुअली मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ कि किसी के भी घर में मेहमान थोड़े दिनों के लिए आते हैं, हमेशा के लिए नहीं आते। अगर राधा भाभी को किसी को सर पर चढ़ाना आता है तो मुझे मुझे उसे जमीन पर लाना भी आता है। सिस्टर, मेरे एक्सीडेंट होने के बाद जो इंसान मुझे हॉस्पिटल लेकर आया, जिसने मुझे अपना खून दिया और यहां तक कि मेरे इलाज के लिए जिसने पैसे भी जमा कराए, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं। जिस दिन से आप इस हॉस्पिटल में आए हैं वो रोज आपसे मिलने आते रहते हैं। एक्सीडेंट की रात वो पूरी रात घर नहीं जा पाए थे, उनके आने का वक्त हो गया है, वो अभी आते ही होंगे। क्या उन्हें मालूम है कि मुझे होश आ गया? नहीं, एक्चुअली मैं उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाई। मुझे लगा कि उन्हें यहां आकर पता चलेगा तो उन्हें और ज्यादा खुशी मिलेगी। सिस्टर, उस शख्स का नाम क्या है? राज।